जबकि दूसरी जानब पंजाब में शहरियों को 50% रियायत पर आटा देने की सिफारिशात, निगरान हुकूमत को 50% रियायत पर आटा फराहम करने की सिफारिशात पेश की गई हैं। 1,70,00,000 से ज्यादा कम आमदन वाले रजिस्टर्ड अफराद को रियायती आटा देने की तजवीज़ पेश की गई है। अली रामे हमारे साथ मौजूद हैं। अली रामे, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। देखो, पंजाब में आटे की कीमतों में जो इजाफा हो रहा है, अब इस पर मुख्तलिफ महकमों की तरफ से सिफारिशात निगरान हुकूमत के सामने रखी गई हैं कि अगर पंजाब हुकूमत लाहौर समेत पंजाब भर के अंदर जो मुख्तलिफ ऐसे रजिस्टर्ड अफराद जिनको रमज़ान के अंदर आटा जो है मुफ्त फराहम किया गया, उन्हें 50% पर आटा जो है वो रायती दिया जाए। अब इस हवाले से 1,70,00,000 से ज़ायद रजिस्टर्ड अफराद जो कि कम आमदन वाले अफराद हैं, उनका डाटा ऑलरेडी पंजाब हुकूमत के पास है BISP के तहत, राशन रायत प्रोग्राम के तहत जो लोग रजिस्टर्ड हैं, अब उनको निगरान हुकूमत जो है वो 50% रियायत पर आटा देने की जो है वो एक कोशिश कर रही है। अब इस पर मुख्तलिफ महकमों की तरफ से सिफारिशात वो भी निगरान हुकूमत के सामने रख दी गई, तो निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने फैसला ये किया कि अब इस पर चीफ सेक्रेटरी पंजाब की सरबराही में 3 रुकनी कमेटी जो है वो कायम की। अब कमेटी से मजीद इसका मैकेनिज़म, क्राइटेरिया और लाहे अमल जो है वो तलब किया है, और इस पर निगरान हुकूमत इस कमेटी की हतमी सिफारिशात पर बाकायदा अप्रूवल देगी, और ये आटा उसी तरह ही मुहैया किया जाएगा जैसे रमज़ान के अंदर मुख्तलिफ सेंटर्स बनाकर शहरियों को मुफ्त आटा फराहम किया गया। अब उसी तरह उनको मैसेज वसूल होंगे, तो वो अपना रियायती जो आटा है वो मुख्तलिफ सेंटर्स के अंदर जहाँ जहाँ उनके मुतलका इलाकों में सेंटर्स मौजूद होंगे वहाँ से ये रियायती आटा जो है वो हासिल कर सकेंगे। लेकिन उससे पहले निगरान हुकूमत इसके लिए और दीगर जो क्राइटेरिया है उसकी निगरान कबीना के अंदर जो है वो बाकायदा अप्रूवल दी जाएगी। ठीक है, निगरान कबीना के अंदर अप्रूवल दी जाएगी। बहुत शुक्रिया अली रामे।